नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम बताएंगे दोस्तों रोने के फायदों के बारे में और आंसुओं को रोकने से होने वाले नुकसान के बारे में। रोने के फायदे पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे समाज में एक गलत फहमी व्याप्त है कि रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी परंपराओं में ने महिलाओं को तो खुलकर रोने की आजादी दे रखी है, क्योंकि अक्सर जब कोई लड़का रोने लगता है तो इससे यही कहा जाता है कि क्या तो कोई लड़की है जो रो रहा है। कहने का आशय यह है कि बचपन से ही लड़कों को यह समझा जाता है कि रोना बुजदली है, इसलिए उन्हें कभी रोना नहीं चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही कारण है कि बड़े होने पर पुरुष अपने रोने की स्वाभाविक प्रक्रिया को दबा कर रखने के आदि हो जाते हैं, इसलिए बड़े होकर भी रोने के फायदे से विमुख हो जाते हैं और आंसू रोकने से होने वाले नुकसान से ग्रसित रहते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम रोने के फायदों के बारे में जानें, सबसे पहले आंसुओं को अंदर दबाने अर्थात रोकने से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति होश संभालने के बाद कभी नहीं रोते वे सांस की तकलीफ, दमा या फिर बदन पर फोड़े फुंसी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को उच्च रक्तचाप, भगंदर जैसी बीमारियां होने की पूर्ण आशंका रहती है। जो व्यक्ति मानसिक आघातों को चुपचाप सहन कर लेते हैं वे पागल भी हो सकते हैं। कभी कभी आंसू रोक लेने से अनेक बीमारियां जैसे नजला, जुकाम, आंख के रोग, हृदय में पीड़ा, सिर दर्द, चक्कर आना, गर्दन का अकड़ना और भोजन करने की इच्छा न होना इत्यादि भी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थे आंसू रोकने से होने वाले नुकसान। अब जानते हैं कि रोने से क्या फायदे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मतानुसार कभी कभी रोना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी कभी रोने के फायदे होते हैं और इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। तो आइए जानते हैं रोने से क्या क्या फायदे हैं। कभी कभी रोने से आंसुओं के साथ तनाव के रासायनिक तत्व शरीर से निकल जाते हैं, जिससे मन हल्का महसूस होता है। रोने से आंसू दुख, चिंता, क्लेश तथा मानसिक आघातों से पीछा छुड़ाने तथा मन को हल्का कर आकस्मिक मनोव्यथाओं को सहने में सहायता मिलती है। रोने के फायदों में अगला फायदा यह है कि रोने से आंसुओं के साथ मस्तिष्क में एंड्रोफिस नामक हार्मोन स्त्रावित होता है, जिससे अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जी भरकर रो लेने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, भगंदर, अल्सर और बड़ी आंत की सूजन और हृदय रोग आदि से भी राहत मिलती है। अमेरिका के बायोकेमिस्ट विलियम एच फ्रेन ने एक सर्वेक्षण में प्रख्यात किया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 5 गुना अधिक रोती हैं। बच्चों की तरह कहीं भी और कभी भी रो लेने के कारण स्त्रियां कम तनावग्रस्त, ज्यादा सहनशील, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाली होती हैं। रोने से के फायदों में आंखों की खूबसूरती बढ़ाते हैं आंसू। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध कर दी है कि रोने से आंखों की खूबसूरती बढ़ती है। यही कारण है कि महिलाओं की आंखें पुरुषों से अधिक आकर्षक होती हैं। आंखों के कार्निया की परत कंजंक्टिवा की लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा आंसू से नम कर देने के कारण आंसू में मिले क्षारीय तत्वों द्वारा सुंदरता निखर जाती है। आंसू के निकलने पर हार्डेरियन ग्रंथि से एक तेलीय द्रव निकलता है, जिसकी मदद से कार्निया नम और गहरा बन जाता है। इससे आंखें सुंदर और स्वस्थ रहती हैं। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आंसू को एक कीटाणुनाशक बताया है। उसका कहना है कि कभी कभी रोने के फायदे होते हैं, इसलिए आदमी को अपने आंसू रोकने की बजाय कभी कभी रोकर आंसू बहा लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थे कभी कभी रोने के शारीरिक फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।